10,000 से भी अधिक वर्षों से भारतीय सभ्यता फली फूली है और उस समय भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक था। भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। यहाँ पे हीरे जवाहरात सोना चांदी अनगिनत थे। भारत विज्ञान और टेक्नोलॉजी से लेकर बोर्ड गेम्स तक हर चीज में प्रथम स्थान पर था अगर हम यूरोपीय सभ्यता से कंपेयर करें तो। भारत का प्राचीन इतिहास आज भी आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय है। ऐसे ही कुछ प्राचीन भारत से जुड़े हुए रहस्यमय कथाओं के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। भारत में शौचालय का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता जितना पुराना है, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के आसपास विकसित हुआ था। लोथल में रहने वाले लोगों द्वारा जल जनित शौचालय के उपयोग का प्रमाण देती है, जो अहमदाबाद से केवल 62 किलोमीटर दूर स्थित है। हड़प्पा के प्रत्येक घर में एक निजी शौचालय था जो बाहर की ढकी हुई नाली से जुड़ा हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता अपने बुनियादी ढांचे नगर नियोजन के मामले में सबसे एडवांस सभ्यताओं में से एक था। साथ ही प्राचीन मिस्र, जिसे इजिप्ट के नाम से जाना जाता है, और रोमन एम्पायर की तुलना में सबसे पुरानी सभ्यता है। हम सभी ने स्कूल में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, अरे वही हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू साइड ए स्क्वायर प्लस साइड बी स्क्वायर। आज तक हम इस थ्योरम का क्रेडिट ग्रीक मैथमेटिशियन पाइथागोरस को देते हैं, लेकिन जिसे हम आज पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं, उसकी खोज इंडियन मैथमेटिशियन मोदियाना सूत्रा जी ने की थी 6th सेंचुरी में, यूरोपियन मैथमेटिशियन से सैकड़ों साल पहले। वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिवर्सिटी। शिक्षा के मामले में भले ही आज भारत दुनिया में कई देशों से पीछे हो, लेकिन एक समय था जब हिंदुस्तान शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। भारत में ही दुनिया का पहला विश्वविद्यालय खुला था, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना तक्षशिला में 700 BC में हुई थी। इस विश्वविद्यालय में पूरी दुनिया से आए हुए 10,000 से भी ज़्यादा छात्र पढ़ते थे। यहाँ के छात्रों को 60 से भी ज़्यादा विषय पढ़ाए जाते थे। इस यूनिवर्सिटी में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और 9 माले की एक विशाल लाइब्रेरी थी, जहाँ 3,00,000 से भी ज़्यादा किताबें उपलब्ध थी छात्रों के लिए। शतरंज का जन्म भारत में चंद्रगुप्त वंश के शासन के दौरान करीब 250 BC से 500 BC के बीच में हुआ था, ऐसा प्रमाण मिलता है। शतरंज को चतुरंग शब्द से भी जाना जाता था, जिसका मतलब एक प्रकार की चतुर सेना से था, जिसका उल्लेख भारत के रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलता है। दरअसल उस समय किसी भी राजा की सेना हाथी, घोड़े, ऊंट, सैनिक और उसके सेनापति से मिलकर पूरी होती थी। सेनापति बाद में यूरोप में जाकर रानी में तब्दील हो गए। लूडो। इस खेल को तो आप बखूबी जानते होंगे। लूडो आज के समय का सबसे पसंदीदा खेल में से एक है। लूडो को प्राचीन भारत में 25 के नाम से जाना जाता था। महाभारत के युद्ध का कारण ये 25 का ही खेल था। इस खेल को 15 से 20 अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे पगड़े, 25, चौपड़, चौसड़ और सोक्टम, ऐसे इसके अनेक नाम हैं। लूडो में 4 खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन दक्षिण के राजा के बदौलत इस खेल में काफ़ी बदलाव आए हैं। स्नेक एंड लैडर, ये भी एक प्राचीन भारतीय खेल है। इसे संस्कृत में मोक्ष शपथ भी कहते हैं। 13वीं शताब्दी में संत ज्ञानदेव जी ने इस खेल की खोज की थी। ज्ञानदेव जी अपने खेल के माध्यम से ये दर्शाना चाहते थे कि इंसान गलत काम करके जितने जल्दी सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाता है, वो इंसान उतने ही जल्दी अपने गलत कर्मों के वजह से सांप काटने के कारण नीचे भी आ जाता है। चेस, लूडो और स्नेक लैडर खेल के क्षेत्र में प्राचीन भारत की सबसे बड़ी अचीवमेंट में से एक है। साइंस के हिसाब से प्लास्टिक सर्जरी की डिस्कवरी हो के कितना साल हुआ होगा, 50 या 60 साल?
लेकिन कई इतिहासकारों का मानना है कि भारत में प्लास्टिक सर्जरी 2020 से पहले से होती है। भारतीय फिजिशियन सुश्रुता जी इन्हें फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहते हैं। सुश्रुता जी और उनकी टीम ने फ्रैक्चर, आर्टिफिशियल लिम्ब्स, ब्रेन सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी जैसे कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी को अंजाम दिया था। एनेस्थीसिया जो एक मॉडर्न मेडिसिन है, उसका इस्तेमाल सुश्रुता जी अच्छे से जानते थे आज से 2600 साल पहले। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। हम आपके लिए ऐसी अमेजिंग वीडियो लाते रहेंगे, तो तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड बाय।